हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए आए हैं मशीन का गल्ला। ये गल्ला कंपनी में से नया आया है, जिसमें दिक्कत यह है कि भाई इस गले का बोर में दिक्कत है। दिक्कत होने की वजह से ये गला नीचे से 1.5 इंची है और ऊपर से 1.25 इंची रह रहा है, जिसमें कि कॉलबरम फंस नहीं रहा है। ये इसके नट खोले जा रहे हैं। इसके नट खोलने के बाद हम आपको कॉलबरम डाल के दिखाएँगे कि भाई इसका बोर आउटिंग दे दिया, इसलिए हम इसको दोबारा खोल के इसका बोर और इसके सुराख चौड़े करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको इसमें सभी चीज़ की कमी बेसी दिखाई दी जाएगी कि भाई क्या क्या कमी थी और क्या क्या हमने किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस करें। इसमें दिक्कत यह है कि भाई कॉलबरम घुस नहीं रहा है। कॉलबरम अगर हम धक्के से भी घुसा देते हैं तो ये करेगी क्या कि चैम्बर की पत्तियाँ काटेंगी और ये कॉलबरम जो है ऊपर को इसके ऊपर घिसाई शुरू हो जाएगा, नीचे से जगह खाली रहेगा, माल मशीन पकड़ेगी नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो ये हमने गल्ला खोल लिया है। गल्ला खोल के अब इसको हम निकाल के लेथ मशीन पर ले जाएंगे। लेथ मशीन में इसका बोर करेंगे। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये चीज़ इसकी आउटिंग है। इस आउटिंग के वजह से ये गल्ला फिट नहीं बैठ रहा है इसमें। ये चैम्बर भरे जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेथ मशीन पे हम गल्ले को ले आए हैं, ये बांध दिया है, बांध के अब इसका बोर किया जा रहा है। तो ये इसका यहाँ पे बोर हो रहा है। जब तक आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे नॉलेजबल वीडियो मिलती रहेंगी। आप सभी वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, लेकिन लाइक करने में कंजूसी कर जाते हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ये गल्ला हमारा बोर होता जा रहा है, अब थोड़ा सा कट और लगेगा जिससे कि ये पूरा परफेक्ट साइज में आ जाए। ये यहाँ पे बोर हो चुका है, अब इसका फेस टर्न करेंगे। फेस टर्न करने के बाद फिर इसमें सुराख करेंगे। ये हमने इसका फेस मारने जा रहे हैं। अब ये थोड़ी सी दिक्कत के वजह से मशीन का चैम्बर भी ख़राब होता, कॉलबरम भी घिसता और ये गल्ला भी नया गल्ला जो कट के ख़त्म हो जाता। तो इसलिए हमने इसका बोर किया और इसको बिल्कुल फिक्स 0.0 साइज़ में लगा दिया है। अब ये खोलने के बाद हम इसमें सुराख करेंगे। 6 सूत का सुराख मारेंगे, पहले 5 सूत का लगा हुआ था, अब 6 सूत का मारेंगे, जिसके वजह से वो कवर कर लेगा। ये 6 सूत का बर्मा हमारा लग चुका है इसमें। ये सुराख होना हमारा शुरू हो चुका है। ये पहला सुराख हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम ये दूसरे सुराख को मारेंगे। ये दूसरा सुराख किया जा रहा है। जब तक ये दूसरा सुराख हो रहा है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये दूसरा सुराख हो गया, ये तीसरा सुराख करने जा रहे हैं। ये तीसरा सुराख भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब ये लास्ट फाइनल सुराख चौथा ये लगाएंगे। ये सारे सुराख हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये गल्ला हमने साइड में रख दिया। अब मशीन बंद करने गया है, मशीन बंद करके ये हमने मशीन बंद कर दिया। अब जा रहे हैं हम गल्ले को फिट करने। चैनल को लाइक करें। और ये गल्ला फिट कर दिया हमने इसमें। और ये कॉलबरम अब पहले भी देखा आपने, अब देखो कितने आराम से जा रहा है ये। ये चैम्बर जब इसके ऊपर रखते तो बहुत दिक्कत होता, जो कि भाई चैम्बर भी घिसता, गल्ला भी घिसता, कोलबरम भी घिस जाता, माल भी नहीं उठाती मशीन, दिक्कत ही दिक्कत, ट्रैक्टर खींच भी नहीं पाती, यानी कि 360 प्रॉब्लम हो जाती इसमें। तो अब ये हमने इसका प्रॉब्लम दूर कर दिया है। अब एक प्रॉब्लम और रह गया, वो हम चैम्बर ढकेंगे जब दिखाएंगे। तो ये चैम्बर हमने जब ढका है इसमें, तो अब इसमें आप देख रहे हो ये गल्ला ऊँचा है चैम्बर से। अब इसकी भी हमें कटिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल चैम्बर के फेस में लाना पड़ेगा, जितना चैम्बर है उस साइज़ में हमें इसको लाना पड़ेगा। और हमने ये पहले कटिंग कर दिया पर उस साइड का, अब इस साइड का बचा हुआ है, ये भी कटिंग हम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे कटिंग हो रही है इसकी। ये यहाँ पे ऊपर कटिंग कर दिया, पूरा बराबर दिख रहा होगा आपको। अब ये इधर की भी कटिंग हम करना शुरू कर रहे हैं। तो ये चलाया हमने ग्लेंडर मशीन। ये पहला कट सिरे पे लगाएंगे। ये पहले खड़ी कट लग रही है इसलिए कि भाई इसमें ब्लेड फंसे नहीं, क्यों ब्लेड वैसे काटेंगे तो ब्लेड फंस जाएगी, इसलिए ब्लेड फंसे नहीं, इसके वजह से हम इसकी ऐसे कटिंग कर रहे हैं। ये एक कट लग चुका है, दूसरा कट लग रहा है। तो ये जो थोड़ी सी मिस्टेक लगती है हम सबको कि भाई चलो थोड़ा सा ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत करती हैं जब मशीन बांधते हैं तो। इसलिए आप सभी से कहता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस करे रखें, जो कि आने वाली कोई सी भी वीडियो आपके लिए न्यूज़फुल हो सकती है। ये कटिंग हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, और एक बार कट मार के फिर इसका पट कटिंग मारेंगे। पट कटिंग मार के इसको बराबर कर देंगे चैम्बर के। ये पट का कटिंग लग चुका है, अब ये काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद वीडियो भी कंप्लीट है, अब इसमें हम कंघी चढ़ा के इसको कंप्लीट कर देंगे। ये फेस एकदम टकाटक हो चुका है, ये देखो किनारी और ऊपर से नीचे चैम्बर भी पूरा हो चुका है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।